घबरा हूँ, आपकी केमिस्ट्री है मुझे पता है। सो सर वी आर डिस्कसिंग लिमिटेशंस ऑफ स्टोक्स लॉ। द फर्स्ट लिमिटेशन ऑलरेडी आई टोल्ड यू, नंबर वन द एक्सटेंट ऑफ लिक्विड और फ्लूइड शुड बी इनफाइनाइट, नंबर टू लिक्विड और फ्लूइड शुड बी होमोजीनियस, नंबर थ्री द थ्रो ऑफ बॉडी दैट इज वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ थ्रो ऑफ बॉल और स्फेरिकल बॉडी शुड बी स्मॉल सो दैट देयर इज नो स्लिप बिटवीन द लेयर्स एंड द बॉडी। देयर इज नो स्लिप बिटवीन द लेयर्स एंड द बॉडी, अदरवाइज वॉट हैपन्स, द बॉडी स्ट्रेट वे गोज टू द बॉटम। नंबर फोर, एक और चीज लिख लो, द बॉडी शुड बी स्मॉल, The body should be small, rigid and smooth so that it can move easily. So these are the limitations. But what are the uses? अच्छा, इसको अगर कोई बोले प्रूव करके बताओ तो आप बता सकते हो, या प्रूफ आपको करना चाहिए घर पे हमेशा? प्रूफ में क्या करोगे? लैब F directly proportional eta की पावर A, R की पावर B, V की पावर C. So F is equal to K eta की पावर A, R की पावर B, V की पावर C. And this is our equation number 1. And then you know, with the help of dimensions, you have to write the dimensional formula and then आपका A भी 1 आएगा, B is also 1, C is also 1 और answer आ जाएगा. That you know यार. है ना, मैं आपके ऊपर संदेह नहीं करूँगा. आप इंटेलिजेंट हो इतने तो। नाउ व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ स्टोक्स लॉ और स्टोक्स थ्योरम, इसका फायदा क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं? ये तो कोर्स में इसलिए पढ़ रहे हैं। तो लिखिए, एप्लीकेशंस ऑफ स्टोक्स थ्योरम और स्टोक्स लॉ। नंबर वन, द मोशन ऑफ व्हाइट क्लाउड्स based upon the concept of Stokes theorem. The motion of white clouds. Number two, the motion of a parachutist. बताया था ना, पैराशूट से कूदते हैं, जैसे पैराशूट खोलते हैं, now we become a spherical body and air is there. So between the air and us, a number of layers are formed. और वो लेयर पे प्रोवाइड विस्कस फोर्स इन द अपर डायरेक्शन एंड अप थ्रस्ट इज ऑल्सो देयर, दोनों चीजें हो जाती हैं। एंड व्हेन अप थ्रस्ट एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन विस्कस फोर्स इज इक्वल टू द वेट ऑफ अवर बॉडी, देन वी आर मूविंग विद ए कॉन्स्टेंट वेलोसिटी कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। समझ गए? नंबर थर्ड एप्लीकेशन, द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन वॉज फाउंड बाय मिलिकन्स ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, बेस्ड ऑन स्टोक्स लॉ। उन्होंने ऑयल ड्रॉप लिया और ऑयल ड्रॉप के टर्मिनल वेलोसिटी से जब मूव किया तो हमने कैलकुलेशन निकाली, एंड कॉफिशियंट ऑफ विस्कोसिटी इज ऑल्सो देयर। सो यहां तक हमने आज क्या क्या कर लिया? पॉइसन फार्मूला कर लिया, विस्कस फोर्स, न्यूटन्स फार्मूला, स्टोक्स लॉ, व्हाट इज विस्कोसिटी, ये सारी चीजें हमको आ गई हैं। एंड नाउ वी हैव टू फाइंड टर्मिनल वेलोसिटी ऑल्सो, दैट डेरिवेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो okay, next time we will do that because your class is there. No, sir. Thank you very much, बच्चों. नहीं है आज क्लास. केमिस्ट्री क्लास नहीं है तो मैं करवा दूँ टर्मिनल वेलोसिटी, आप बोले? Yes, sir. Yes. ठीक है, लिखिए. Expression for terminal velocity. बहुत important है ये. Expression for terminal velocity. How to find terminal velocity? Okay. Expression for terminal velocity.
वी या वी टी जो भी आप लिखना चाहें, मैं वी टी लिख देता हूँ बिकॉज वी टी इज माई गुड फ्रेंड. तो सो वी आर कंसीडरिंग ए बॉडी, स्फेरिकल बॉडी, सेम डायग्राम है ऑफ रेडियस. इसकी रेडियस हो गई आर, डेंसिटी इसकी रो है एंड डेंसिटी ऑफ बॉडी इज सिग्मा. दोनों की बॉडी अलग अलग होगी, राइट. सो इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन वेट इज देयर, इन द अपवर्ड डायरेक्शन वी हैव फोर्स एंड ऑल्सो अप थ्रस्ट. इसको एफ यू अप थ्रस्ट एंड दिस इज एफ वी. ओके, कंसीडर ए बॉडी, कंसीडर ए स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस आर. कंसीडर ए बॉडी ऑफ स्फेरिकल बॉडी ऑफ रेडियस स्मॉल आर एंड डेंसिटी सिग्मा. एंड डेंसिटी सिग्मा इज थ्रोन इन ए विस्कस फ्लूइड, इज थ्रोन इन ए विस्कस फ्लूइड having viscosity eta, full stop, paragraph change. The following forces are acting on the body. Number one, weight of the body acting vertically downwards. So weight, you know very well, weight means mg होता है, and m means mass यानी volume into density, correct. Volume क्या होगा इसका, sphere है, 4/3 pi r³. Density आपको पता ही है, sigma, and g is g. So w is equal to 4/3 pi r³ sigma g. This is weight of the body and it is acting vertically downward, and you know very well as you move inside, due to g, weight also increases. Now due to this motion, एक तो अपथ्रस्ट लगेगा. अपथ्रस्ट इज, आपको मालूम है, एवरी फ्लूइड एंड लिक्विड गिव्स एन अपवर्ड फोर्स विच इज इक्वल टू द वेट ऑफ द बॉडी. समझ रहे हैं ना आप लोग. सो नंबर टू, अपथ्रस्ट ड्यू टू बायोंसी होता ही है ना, बायंट फोर्स. अपथ्रस्ट को एफ यू कह रहा हूं मैं. सो अपथ्रस्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, upward due to buoyancy, that is buoyant force hota hai. So fu equal to force is again mg, m dash g kar diya maine, but m dash g kyun karu, because it is same na, it is volume into density into g. So fu equal to volume is again 4/3 pi r³. Actually, if something is drop in a liquid, then what happens? The liquid gives you the same amount of liquid, same shape and size of the liquid as the body is there. मुझे गिराओगे तो मेरे जैसा निकलेगा, हाथी को गिराओगे तो भी उसके जैसा, यानी according to the volume. So volume is same, क्योंकि body same थी. 4/3 pi r³, density is now of liquid. लिक्विड की डेंसिटी रो थी, रो इंटू जी. सो दिस इज द डिफरेंस ओनली. एफ यू इक्वल टू 4/3 pi r³ रो जी. याद रखना बच्चों, वेट एंड अपथ्रस्ट इज सेम, ओनली देयर इज अ चेंज इन द डेंसिटी. इन वेट डेंसिटी ऑफ द बॉडी इज टेकन एंड इन अपथ्रस्ट डेंसिटी ऑफ लिक्विड शुड बी टेकन. बोथ आर डिफरेंट. दिखाई दे रहा है, दे रहा है, ठीक है.
नंबर थर्ड विस्कस फोर्स, तो विस्कस फोर्स के लिए कौन आया? अरे कौन आया दौड़ता हुआ? अरे स्टोक्स आया। अरे मैंने बताया था ना, वो लिखो यार, विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स कहाँ लगेगा आपको मालूम है? इन द अपवर्ड डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ या स्टोक्स थ्योरम। वो तो फार्मूला डायरेक्टली 6πηr, v को vt लिख रहा हूँ, आप v भी लिख सकते हो। चलो मैं v लिख देता हूँ, आप कहोगे काय को आप vt लिखते हो यार, 6πηr v, राइट। नाउ यू नो वेरी वेल, फर्स्ट बॉडी मूव्स विथ मोर वेलोसिटी एंड आफ्टर सम टाइम एज द विस्कस फोर्स इंक्रीजेस, देन ए टाइम विल कम, देन अपवर्ड टू फोर्सेज दे बैलेंसेज द वेट ऑफ द बॉडी, और उस समय बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी से जाने लगती है। तो लिखिए, इनिशियली या इन छोड़ो, ये तो आपको मालूम ही है। लिखिए, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम कब आता है? जब ये इक्वल हो जाएंगे, एफ यू प्लस एफ वी इज इक्वल टू डब्ल्यू, या एट इक्विलिब्रियम के बाद एक लाइन लिखना, एट इक्विलिब्रियम द बॉडी मूव्स विथ टर्मिनल वेलोसिटी, एट इक्विलिब्रियम द बॉडी मूव्स विथ टर्मिनल वेलोसिटी, दैट इज एफ यू प्लस एफ सी इक्वल टू डब्ल्यू। एंड नाउ आई एम राइटिंग ओनली वैल्यू, एफ यू क्या था आपका? 4/3πr³ρg, ये 6πηr v, एंड w इज 4/3πr³σg। देखो मैंने सबकी वैल्यू रख दी, देख के अब तो यू ऑल आर मैथमेटिक्स जीनियस एंड यू नो वेरी वेल हाउ टू सॉल्व इट। तो बड़ा इजी है सॉल्व करना। तो देखिए, 4/3 को उधर ले जाऊंगा, एंड हियर 6πηr v 4/3πr³ इज कॉमन, यहाँ सिग्मा बचा और यहाँ से रो आएगा, माइनस रो इंटू जी, पाई पाई पाई, 2 × 4, 2 × 3 = 6, तो वी इक्वल टू 2/3 इधर चला गया, देखिए 9r³, नहीं r³ का भी स्क्वायर हो जाएगा, ये कट गया, r² / ησ − ρ × g। दिस इज द फार्मूला फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, एंड फ्रॉम हियर इट इज क्लियरली सीन दैट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r², इट मीन्स मोर रेडियस मोर टर्मिनल वेलोसिटी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ηसीमा and directly proportional to sigma minus rho, और जी भी, क्योंकि कई बार क्या होता है जी ऑल्सो वी कैन चेंज, अगर पोजिशन चेंज हो रही है तो इतना चेंज नहीं आता जी में, जी इज जनरली कॉन्स्टेंट ऑन द सर्फेस, तो अगर आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो चलता है। सो दिस इज द फार्मूला फॉर टर्मिनल वेलोसिटी, एंड हियर टू स्पेशल केसेस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरा से हैं, अगर आप कहीं कहीं मिटा दूंगे हो गया, यस सर हो गया, ठीक है। स्पेशल केसेस बड़े इंपॉर्टेंट है, पूरा नहीं मिटाऊंगा, डोंट वरी। स्पेशल केसेस, एक्चुअली डेंसिटी प्लेज ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर, सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ स्फेरिकल बॉडी एंड रो इज द डेंसिटी ऑफ लिक्विड या फ्लूइड। सो इफ सिग्मा इज ग्रेटर देन रो, हो सकता है कि सिग्मा ग्रेटर देन रो है, इट मीन्स आपके पास पेप्सी है और पेप्सी के अंदर आपने कुछ डाल दिया स्फेरिकल बॉडी, एक मान लीजिए सॉलिड बॉल डाल दी या की रिंग डाल दी आपकी, ठीक है, तो व्हाट हैपन्स, वो नीचे जाएगी या ऊपर?
नीचे जाएगी, सीधी सी बात है, क्योंकि सिग्मा इज ग्रेटर देन जी देन वी इज पॉजिटिव. वी इज पॉजिटिव मीन्स बॉडी मूव्स डाउनवर्ड, बॉडी नीचे जाएगी. जैसे कि ए पर्सन और ए पैराशूटिस्ट मूव्स इन एन एयर डाउनवर्ड डायरेक्शन, ऑयल ड्रॉप मूव्स इन डाउनवर्ड डायरेक्शन इन एयर इन मिलिकन्स एक्सपेरिमेंट. देन सपोज इफ सिग्मा इज लेस देन रो देन वी इज निगेटिव. वी इज निगेटिव मीन्स बॉडी मूव्स अपवर्ड्स. अरे बाप रे, ये कौन सा केस हुआ? ये बहुत सारा केस हो, बहुत बार हुआ आपके साथ, गर्मियों में होता है. व्हेन सपोज यू हैव ए पेप्सी बॉटल और उसको आप खोलते हो, जब ये मजा आ रहा है, लेकिन उसमें आपने देखे एयर बबल्स ऊपर आते हैं. एयर बबल्स आर स्फेरिकल इन शेप, देयर डेंसिटी इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ पेप्सी, सो दे कम्स इन अपवर्ड डायरेक्शन. सोडा वाटर बॉटल या वो एडवर्टीजमेंट आता है कि गाना गाते हैं, हाँ वन टू टिक टिक वन टिक टिक टू, समोसा खाने लगता है तो पेट में दुखने लगता है, तो दूसरा क्या होता है, अरे इनो लाओ इनो लाओ. तो जैसे ही वो इनो पीता है और इनो जब बनाते हैं तब देखा उसमें झाग निकलती है, तो बबल्स दे आर कमिंग अपवर्ड बिकॉज एयर बबल्स दे आर डेंसिटी इज लेस. सो इफ डेंसिटी इज लेस देन द बबल्स इन सोडा वाटर बॉटल इन पेप्सी दे move upward. So this completes terminal velocity, my sweet students. And now next time we are going for streamline flow and Bernoulli's theorem equation of continuity. So thank you very much for giving your precious and valuable time. Thank you. Thank you. Thank you.